हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो आज साथियों हम बात करने वाले हैं एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। डेफिनेटली ये चीजें सुनकर आप एकदम शॉक्ड हो जाइए कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है बायोनिक आई। अब ये बायोनिक आई है क्या, क्या चीज है ये, किसका नाम है ये टेक्नोलॉजी, किस तरह से काम करेगी? तो मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और निश्चित रूप से हम बड़े भाग्यशाली हैं और कि हमें भगवान ने अच्छी आंखें दी हैं और हम पूरी दुनिया को अपनी इन आंखों से, रंग बिरंग दुनिया को प्यार से देख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग के लिए दुर्भाग्य की बात होती है जिनके पास विजन नहीं होता। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, किसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि साइंस लगातार तरक्की कर रहा है और निश्चित रूप से ये जो साइंस हमारा तरक्की कर रहा है ये कहीं ना कहीं हमारी संपूर्ण दुनिया को एक बेहतरीन विजन प्रोवाइड करेगा। ये जो बायोनिक आई है ये एक देखा जाए तो हमारे साइंस का एक ऐसा चमत्कार है जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति भी देख सकता है जो किसी भी तरीके से देखने में सक्षम नहीं है। यानी ये बायोनिक आई उन व्यक्तियों के लिए है जो कभी भी देख नहीं सकते, जिनका विजन पूरी तरह से गायब है, जिनके रेटिना में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है और वो देखने से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये बायोनिक आई उनके लिए एक वरदान साबित होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे बायोनिक आई कैसे काम करता है। हमारा पूरा मस्तिष्क देखा जाए तो जो हमारा पूरा बॉडी का फंक्शन है वो पूरे का पूरे बॉडी का फंक्शन हमारे इस ब्रेन के द्वारा होता है। ये देखा जाए तो 1.5 किलो का जो ब्रेन है ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को चलाने के लिए एक शानदार मशीन है और सब कुछ हमारे पूरे बॉडी का जो यदि कुछ भी सिस्टम ऑपरेट होता है तो निश्चित रूप से इसी ब्रेन के द्वारा ऑपरेट होता है। और यही कॉन्सेप्ट प्रयोग करके जो है हमने क्या किया है, इस बायोनिक आई को तैयार किया है। बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि हम बात करें बायोनिक आई का तो वो काम कैसे करता है, कैसे वो फंक्शनिंग करेगा, तो आइए हम समझते हैं इसके प्रॉपर फंक्शन के बारे में, उसके प्रॉपर काम के बारे में। साथियों जिस तरह से आप जानते हैं कि यदि हम अपने एक नॉर्मल आई की बात करें, यदि एक साधारण आंख की बात करें तो उसमें क्या होता है, यदि हम किसी भी चीज को देखते हैं तो जो लाइट होती है आपकी, लाइट आपके कॉर्निया से होते हुए कहां पर पड़ती है, या आपके रेटिना पर इंसिडेंट होती है। रेटिना पर जो लाइट आपकी पड़ती है इसके बाद क्या होता है, लाइट पड़ने के बाद यहां पे देखिए ऑप्टिक नर्व्स लगी होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स में क्या होता है बाबू, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर इस लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करके और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को आइडेंटिफाई करके एक क्लियर और एक प्रॉपर पिक्चर तैयार करता है जिससे कि हम आसानी से देख पाते हैं। जब आपके रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई समस्या हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ये जो लाइट है ये प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट ना होकर हमारे ब्रेन पे प्रॉपर तरीके से इंसिडेंट नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से हमारे ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, जिससे कि हम किसी भी इमेज को सही तरीके से देखने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक इसी चीज को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने बायोनिक आई में क्या किया है, बायोनिक आई में मुख्य रूप से 3 एलिमेंट का सही तरीके से प्रयोग किया गया है, जिसमें आपके पास एक ग्लासेस होगा और इस ग्लासेस के ऊपर एक कैमरा लगा होगा। ये कैमरा क्या करेगा, आपके चीजों को जो भी आप देखेंगे उसको कैमरा एब्जॉर्व कर लेगा और एब्जॉर्व करने के बाद यहाँ पे देखिए वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट है। ये जो यूनिट है ये क्या करेगा, उस सिग्नल को भेज देगा आपके पीछे मस्तिष्क रेटिना वाले भाग में, आपके क्या होगा इम्प्लांट होगा एक इस तरह से चिप, और ये क्या करेगा उस सिग्नल को रिसीव करके आपके संपूर्ण आपके ब्रेन के ऑप्टिक नर्व्स को ये सिग्नल क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, जिससे आपको जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर आपको दिखने लगेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा इम्प्लांट होके आपके बॉडी में कुछ इस तरह का दिखेगा। जब ये आपके बॉडी से इम्प्लांट होगा तो ये देखिए जो चश्मा आप पहनेंगे, इस चश्मे का यूज होगा, इसमें फ्रंट में कैमरा लगा होगा और इस तरह से यहाँ पे चिप इम्प्लांट होगा और जो चिप इम्प्लांट होगा आपके रेटिना के पास वो क्या होगा, ये क्या करेगा आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा और उसके बाद आप आसानी से चीजों को देख पाएंगे। अब दिमाग में एक बात आएगी कि क्या हम चीजों को पूरी तरह से क्लियर देख सकते हैं, तो लगातार इस पर काम चल रहा है और देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी पर सबसे अधिक काम करने वाले हमारे टेस्ला कंपनी के एलोन मस्क साहब हैं, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है और इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मैं बताना चाहूंगा इसमें जो विजन है वो एक नॉर्मल आंख की तरह पूरी तरह से स्पष्ट और सही तो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो निश्चित रूप से ये विजन दे देगा आपको, यानी आप चीजों को थोड़ा एनालाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन कुछ सालों में, आज के 4 साल 5 साल बाद जब हम आगे बढ़कर देखेंगे तो निश्चित रूप से ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक नॉर्मल आई की तरह ही हमारा विजन होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो भी आपने देखा उन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और ये सेशन भी आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं आज के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।